सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट विद प्रतु। सो आज हम बनाने वाले हैं 1000+ स्टिकर बुक। सो अभी हम बनाते हैं 1000+ स्टिकर बुक। तो उसके लिए आपको चाहिए होगी बहुत सारे पेजेस, ठीक है। सो आपको बहुत सारे पेजेस ले लेने हैं। A4 साइज़ के ले रही हूँ, वैसे मैं आप कोई भी साइज़ के ले सकती हूँ, इट डजेंट मैटर, क्योंकि बाद में हमें वो ड्राॅइंग्स कट भी करने हैं जो हम पेपर के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें कुछ आपकी जो फेवरेट ड्राइंग्स होगी वो बनानी है। तो मेरी कलरिंग किट में से मैं स्केच पेंस ले रही हूँ एंड उससे मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्टिकर्स, मतलब कुछ ड्राइंग्स पेजेस के ऊपर, ठीक है। सो अभी हम बनाएंगे, ठीक है। सो ये है पेज एंड उसके ऊपर हम बनाने वाले हैं ड्राइंग। सो अभी ये वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा ड्राइंग बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये आ गई हमारी ड्राइंग। सो ये फर्स्ट पेज मैंने बनाया है इमोजी स्टिकर्स के ऊपर, ठीक है। सो ये सारी इमोजी स्टिकर्स हैं, देखिए। तो ये रहे इमोजी स्टिकर्स एंड वैसे ही हम बाकी के स्टिकर्स भी बनाएंगे, ठीक है। बाकी के पेजेस पे भी ऐसे ही कुछ बनाएंगे, अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स बनाएंगे, ठीक है। तो बाकी के भी बना लेते हैं। सो ओके, सो ये इमोजी वाला तो हमने बना लिया एंड बाकी के भी बना लिए। तो ये इमोजी स्टिकर, कवाई स्टिकर्स एंड देन फ्लावर स्टिकर्स एंड देन ये मिक्स स्टिकर्स हैं, मिनी मिनी क्यूट से मिक्स स्टिकर्स एंड ये भी कुछ ऐसे टैग्स टाइप है एंड ये ऐप्स के स्टिकर्स हैं, मतलब स्टिकर्स नहीं, जस्ट ड्राइंग्स, उसे हम बाद में स्टिकर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमें सेलो टेप अप्लाई करना है पेज के ऊपर, देन उसके बाद उसे कट कर। गाइस अभी मैं सारे ऐसे कट कर लूँगी सेलो टेप अप्लाई करके। तो देखिए मैंने कट कर लिए कवाई स्टिकर्स, टैग्स, एप्स, इमोजीज, मिक्स स्टिकर्स एंड फ्लावर स्टिकर्स। तो ये देखिए सारे आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो उसके ऊपर सेलो टेप अप्लाई किया मैंने, देखो शाइन हो रहा है। सेलो टेप अगर आप लगाते हो ना तो स्टिकर्स ऐसे शाइन करते हैं एंड देन बहुत ही बढ़िया लगते हैं स्टिकर्स रियली। तो सेलो टेप अप्लाई करना है मतलब आपको स्टिकर्स पे, ठीक है। सो मैंने सारे जो ड्राइंग्स थे मेरे मिनी मिनी उसके ऊपर से सेलो टेप अप्लाई कर लिया है, इमोजीज एंड देन मिक्स स्टिकर्स, ओके। सो ये सारे हमारे स्टिकर्स हमने कट करके रेडी किया है, ओके। सो अभी यहाँ पे आपको एक डायरी का सिर्फ एक कवर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऐसा कवर यूज़ करी हूँ, थोड़ा सा मैंने नॉर्मल कलर यूज़ किया, मतलब बाद में उसे ज़्यादा पेज स्टिक करने की ऊपर से ज़रूरत नहीं है, अच्छा। देन उसके बाद आपको एक ट्रांसपेरेंट से शीट ले लेना है। इस पेजेस का आपको डायरी के साइज़ का जो है उसे कट कर लेना है, बहुत सारे पेजेस, कुछ 7 पेजेस मैंने ऐसे ट्रांसपेरेंट शीट के लिए, ये देखिए ऐसे ही कुछ आपको पेजेस कट कर लेने हैं, ठीक है। सो ऐसे करके मैंने सारे जो पेजेस हैं वो रेडी कर लिए हैं ट्रांसपेरेंट शीट के, ठीक है। तो ये देखिए सभी बस हमें क्या करना है, पेजेस को डायरी में अप्लाई कर देना है, ठीक है। पेजेस को डायरी के अंदर आप स्टेपलर से भी स्टिक कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने स्टेपलर अप्लाई करके इसे लगा दिया, देखिए डायरी के ट्रांसपेरेंट पेजेस लगा के रेडी हो गए हैं, ओके। देन ये देखिए लगा लिए थे, देख सकते हो आप अच्छे से अप्लाई करना है। और सेलो टेप से भी आप, मतलब मैंने सेलो टेप भी लगाया है एंड देन स्टेपलर भी लगाया ताकि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाए पेजेस ना निकले। बस ये सेलो टेप मत लगाना, स्टेपलर जो है अब दोनों साइड के एजेस जो है वहाँ से लगाना, ठीक है। स्टेपलर लग जाएगा, स्टेपलर वैसे तो लगने नहीं वाला था, पर जो डायरी का जहाँ पे पेजेस होते हैं वो साइड के पार्ट पे ना वो थोड़ा सा एकदम थिन था, तो वहाँ पे स्टेपलर जो है वो लग गया, तभी ये टोटली फिट हो चुके हैं। एंड हमें क्या करना है, ये जो ये है हमारे ड्राइंग्स कन्वर्ट होने वाले हैं उनके पीछे हमें ना डबल साइडेड टेप का यूज़ करना है। तो देखिए एक स्टिकर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, जो ये डबल साइडेड की फोम शीट फोम टेप है, डबल साइडेड फोम टेप, तो उसका मैं यूज़ कर रही हूँ।
ठीक है। सो ये देखिए ऐसा कुछ कट कर लेना है आपको, देन इसके पीछे स्टिकर्स के पीछे ऐसे अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसे ऊपर के जो पेपर को उससे रिमूव कर लेना है एंड देन शीट पे उसे स्टिक कर देना है। तो ऐसे ही मैं सारे स्टिकर्स को इस तरह स्टिक कर दूँगी, ओके। सब मैं उसके ऊपर डबल साइडेड टेप लगा के रख दूँगी, सारे पे सारे स्टिकर्स के ऊपर डबल साइडेड टेप लगाऊँगी एंड देन उसके बाद एक साथ सबको स्टिक कर दूँगी पेजेस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे लगा दिया मैंने। एंड गाइस आपको ऐसी कुछ DIY किट्स की वीडियोस चाहिए होगी तो प्लीज़ बोलना। एंड गाइस आपको बता दूँ कि अगले कुछ मंथ्स में वीडियो नहीं आने वाली है, ठीक है। सो कुछ अगर शॉर्ट्स वगैरह होंगे तो वो मैं अपलोड करूँगी, पर वीडियोस नहीं आने वाले हैं। ज़्यादा बड़े बड़े DIY किट्स के नहीं आएंगे, बस थोड़े फ्यू मंथ्स के बाद आप मुझे कमेंट करके रखना, तो जब मुझे पॉसिबल होगा किट्स बनाना तब मैं बनाऊँगी, ठीक है। तो कमेंट्स करके बताना आपको कौन सी किट की वीडियो चाहिए, बाद में मैं आपको वो वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो वैसे अभी मैं स्टार स्टिकर्स जो ये देखो मैंने लगा के रेडी कर लिया है। ये देखो ये इमोजी स्टिकर्स का मीन्स वन पेज पे नहीं आ रहा था तो सेकंड पेज पे भी लगा दिया हाफ। उसके बाद ये फ्लावर स्टिकर्स, उसके बाद ऐप्स के स्टिकर्स। वैसे ट्रांसपेरेंट शीट पे नहीं अगर आपको हो रहा है मैनेज तो आप सिंपल पेज पे भी स्टिक कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टैग्स थे एंड ये मिक्स स्टिकर्स, ठीक है। एंड उसके बाद ये कवाई स्टिकर्स, ठीक है। तो ये देखिए एंड अभी इसमें हमें क्या करना है, इसका कवर पेज बनाना है, ठीक है। सो अभी हम इसका कवर पेज बनाएंगे। वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, रेड अच्छा है, बस उसके ऊपर हम कुछ नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टिकर्स बुक एंड छोटे साइज में लिखा है स्टिकर्स वर्ल्ड आर्ट एंड क्राफ्ट विद प्रतु एंड देन 1000 प्लस स्टिकर्स, ओके। फिर से एक बार टूर करवा देती हूँ मैं अगेन, ठीक है। ये देखिए तो ये देख सकते हो आप, कभी थोड़ा सा स्टिक हो गया था मीन्स मेरे हैंड में स्टिकर्स आ गए थे, ठीक है। मिक्स स्टिकर्स एंड देन कवाई स्टिकर्स, ओके। सो अभी मैंने वन एक्स्ट्रा पेज रखा, अगर बाद में कुछ एक्स्ट्रा स्टिकर्स अगर मैंने बनाए तो उसमें रख सकती हूँ मैं, उसमें स्टिक करके रख सकती हूँ, ओके। सो ये थी हमारी स्टिकर बुक, 1000 प्लस स्टिकर्स इसमें हैं, ठीक है, ओके। देन एंड देन गाइस प्लीज़ इसमें जो मैंने स्टिकर बनाया है उसमें मैंने एक चीज़ भी लिखी है जो आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वो लिखा है मैंने, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे मैं मेरी जो डायरी है जो हमने स्टिकर बुक बनाई है उसके ऊपर भी कुछ स्टिकर्स अप्लाई कर रही हूँ एंड इनमें से हम लेंगे, सोच रही हूँ कौन सा लूँ, तो मैं ये क्राउन वाला लूँगी, ठीक है। तो ये स्टिकर ले लिया एंड मैंने पहले फ्लावर वाला लिया था, ओके। मैंने से स्टिकर देंगे एंड गाइस ये जो डबल साइडेड फोम टेप है वो थोड़ी सी मोटी है ना, इसलिए देखने में ऐसे 3D स्टिकर्स टाइप लगता है, वो इससे उठ के दिखता है, ठीक है। एंड देन गाइस मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसके अंदर जो मैं आपको बता रही थी ऐसा स्टिकर बनाया मैंने खुद अपने मर्जी से, वो चीज़ आपको करनी है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। रियली गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।